Hello everyone, this is Kiran Mitharu, your online teacher. First of all, I welcome you all on your own YouTube channel, Your Classroom at Home. I really wanted to thank you all for watching our video lessons. As you know, we have already completed our syllabus up to August. So for this, you have to subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can get all the notifications of coming videos. Once again, thank you so much. हाँ जी बेटा, अपन तो डे सिलेबस दे जियोग्राफी दे पहले तीन चैप्टर्स दे एमसीक्यूज ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। तो जे तुसी उन्हां दे अजे तक वीडियो लेसन्स नहीं देखे तो तुसी पहले वो देख लो, दैन यू हैव टू स्टार्ट लैसन नंबर 4, ठीक है। अपन नाल नाल उन्हों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उहदे नाल तुसी उहदे विच्चों जे कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है ना, वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं। तो नाल नाल तुसी अपने फिलअप्स वगैरह जो बन के आदि जां ट्रू फॉल्स आते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ध्यान दे नाल देखो, लैसन नंबर 4 साड़ी खेतीबाड़ी। नंबर 1, शीला देवी अपने परिवार नाल खेतीबाड़ी का काम करती है, पर उसके परिवार को भूमि की उपजाऊ शक्ति घट होने के कारण थोड़े समय बाद एक थान को छोड़ के दूजी थान पर खेती करने लिए जाना पड़ता है। ये खेती दे केड़ी किस्म नूं दर्शाउंदा है, ठीक है। हाँ जी, हुण ओबियसली जदों जड़ी जगह दे उपर मिट्टी जड़ी उपजाऊ होएगी उत्थे ही खेती जड़ी वो वधिया हो सकदी है ना। तो यही प्रॉब्लम फेस करनी पै रही है शीला देवी नूं, क्योंकि जिथे वो जाती है जे उत्थे मिट्टी उपजाऊ नहीं हैगी तां उहनूं होर किते जाना पैंदा है ना। सो नीचे 4 ऑप्शन दित्तियां होईआं। फर्स्ट नंबर ते दित्ती है स्थाई खेती, नंबर 2 बगाती खेती, नंबर 3 विशाल खेती, तो नंबर 4 झूम खेती। हाँ जी, हुण इन्हां चों आपां दसना आ कि यह खेती की कौन सी किस्म नूं दर्शाउंदा आ, वी जदों एक जगह नूं छड्ड के दूजी जगह पर खेती करन दे लई जाना पवे, ठीक है। सो इहदा आंसर हैगा झूम खेती। इस नूं आपां स्थानांतरी खेती भी कहिंदे आ। एक बारी आपां देख लैने एग्जैक्टली। हाँ जी, हुण आपां जिहड़ा पॉइंट डिस्क्राइब करना उह हैगा स्थानांतरी खेती। पहाड़ी खेतरां विच जां खुले जंगलों में कबीलों के लोग एक जगह पर जंगलों आदि को साफ करके थोड़े समय वास्ते खेती करते हैं, ठीक है। जो इस खेती की उपजाऊ शक्ति घट हो जाती है तो फिर वो ये जगह छड़ के किसी होर जगह पर जाके खेती करना शुरू कर देंगे। लोग जगह बदल बदल के खेती करके अपना गुजारा करते हैं। इस तरह की खेती को स्थानांतरी खेती या झूम खेती भी कहा जाता है, झूमिंग कल्टीवेशन। अजे भी संसार के कई देशों में इस किस्म की खेती की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया भी जदों कबीलों के लोग मतलब उन्होंने को एक अपनी जगह नहीं होंगी, जमीन नहीं होंगी, वो वैसे ही एक जगह पर जाते जंगल साफ कर लेंगे, उत्थे जाके खेती करनी शुरू कर देंगे। जो बार बार उत्थे जमीन के उत्ते फसल बीजते उसकी उपजाऊ शक्ति घट जाती, फिर वो जगह छड़ के किसी होर जगह पर जाके उत्थे वही काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह की खेती करके वो अपना गुजारा करते हैं। इस नूं आपां की कह दिंदे स्थान अंतरी खेती जां झूम खेती, मतलब पेपर दे विच दोनों कॉन्सेप्ट आ सकदियां। जां पुछ सकदे हो वी स्थान अंतरी खेती कि हुंदी है, ते जां पुछ सकदे आ झूम खेती कि हुंदी है, ठीक है। दोनों का आंसर सेम हैगा। क्वेश्चन नंबर 2, मन लो राधे श्याम दे कोल 100 किले जमीन है, इस उपर वह आप वाही करता है, तो वाही लिए हैलीकॉप्टर ते खेती मशीन आदि का प्रयोग करता है। राधे श्याम किस प्रकार की खेती करता है, ठीक है। हुण हैलीकॉप्टर ते मशीनां दे नाल तां खेती उत्थे ही होएगी ना जिथे बहुत ज़्यादा जमीन होएगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 100 किले जमीन आ। सो इस तरह की खेती नूं आपां कि खेती की उदाहरण मन्नांगे, मिश्रित खेती, निजी खेती, बगाती खेती या विशाल खेती, ठीक है। सो इहदा आंसर की आएगा विशाल खेती। विशाल खेती कैड़ी हुंदी है हुण आपां देख लैने। यह है विशाल खेती, जदों किसानां दे कोल जमीन दा आकार वड्डा होवे तां खेती मशीनां अते हैलीकॉप्टर दी मदद नाल कीती जांदी है। इस किस्म दी खेती नूं विशाल खेती कहा जांदा है। संयुक्त राज अमरीका वर्गे देशां विच जिथे खेतां दा आकार बहुत वड्डा है अजिही किस्म दी खेती ही कीती जांदी है। इस तरह की खेती विच प्रति एकड़ झाड़ संघनी खेती दे मुकाबले घट हुंदा है, ठीक है। हुण जिन्हां किसानां दे कोल बहुत ज़्यादा जमीन हुंदी आ तां उह हैलीकॉप्टर जां मशीनां दी मदद नाल खेती करदे आ, ते ज़्यादातर यूएसए दे विच
इस तरह की खेती होंगी है जिहड़ी कि हैलीकॉप्टर की मदद नाल होंगी है, क्योंकि उत्थे जिहड़े खेत है वह बहुत वड्डे वड्डे आकार दे गए। ठीक है कि इस तरह की खेती दे विच प्रति एकड़ झाड़ जिहड़ा होंदा वह संघनी खेती के मुकाबले की होंदा घट होंदा है। ठीक है, वध नहीं होंदा, घट होंदा है। क्लीयर हो गया? ओके हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, हेठां दर्शाई मशीन किस काम आती है? हाँ जी, इधर पिक्चर के एक मशीन हैगी है ना, उन्होंने पूछा भी ये मशीन जिहड़ी आ वह किस काम आती है ना। हुण इस मशीन का नाम की हैगा? हार्वेस्टर कंबाइन। ठीक है, सो कि यह जमीन विचों पेट्रोल कढ़न दे काम आती है, कणक ते चावल बीजन दे काम आती है, जां कणक ते चावल कढ़न लई काम आती है, जां कपाह चुगण ते कढ़न दे काम आती है। सो इहदा आंसर की हैगा? कणक ते चावल कढ़न दे लई। ठीक है, इस नूं वरत्या जांदा है। हाँ जी, हुण आई है ना हार्वेस्टर कंबाइन जिहड़ी आपां देखी सी है ना। पंजाब भारत दे होर राज्यां दे मुकाबले विच खेतीबाड़ी विच बहुत अगे है। पंजाब की कुल आमदन विच खेतीबाड़ी सैक्टर का 35% योगदान है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन च आ सकदा कि पंजाब की जिहड़ी कुल आमदन आ उहदे च खेतीबाड़ी सैक्टर तो किन्नी इनकम हुंदी आ, तां उह किन्नी हुंदी आ? 35% हुंदी आ। पंजाब दे लगभग किन्ने परसेंट लोग खेतीबाड़ी दे काम च लगे हुए आ? 58% लोग। ये भी क्वेश्चन बन के आ सकदा कि पंजाब दे विच किन्ने परसेंट लोग खेतीबाड़ी दे विच लगे हुए आ, तां 58% लोग है ना। इत्थों दी मिट्टी उपजाऊ किस्म दी है। जमीन दी उपजाऊ शक्ति नूं कायम रखण दे लई किसान खादां दा इस्तेमाल करदे हन। पंजाब दे किसानां कोल जमीनां बहुत ज़्यादा नहीं हन। किसानों को जोतों का आकार ज़्यादातर 5 to 25 acres तक ही है। कई किसानों को जमीन घट भी हैं, तो राज के 6% किसानों को जमीन 25 acres तो ज़्यादा हैं। सिर्फ 6% किसान आ जिन्हों को जमीन जड़ी है वह 25 acres तो वध है। पंजाब का किसान अपने खेतों में कई तरह फसलां उगाता है। फसलों की यह वन सुवंता मुख्य तौर पर जलवायु, खेत का आकार, मिट्टी की किस्म, सिंचाई साधना का प्रबंध और किसान जरूरतों पर निर्भर करती है। पंजाब का किसान हुण सुधरे हुए और ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजा की रूड़ी के रसायणिक खादों की भी वरतू करता है। खेत के आकार के हिसाब न ट्रैक्टर ज हार्वेस्टर मशीन की भी वरतू करता है। पंजाब दा लगभग सारे दा सारा बीजा होया रकबा सिंचाई हेठ आउंदा है। जी, मैं इहनां नूं ज़्यादा एक्सप्लेन तां कर रही हाँ ताकि इहदे विच्चों ही कई बार कोई होर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाते हैं, जां एक्सप्लेन करन दे लई आ जाते तुहानूं क्वेश्चन, तां तुसीं कर सकदे हां। ठीक है, खेतीबाड़ी दा वध झाड़ लैण लई कीड़े मार दवाइयां, इनसैक्टीसाइड्स अते नदीन नाशक पेस्टीसाइड्स की वरतों भी पंजाबी किसान द्वारा वड्डे पद्धर ते कीती जांदी है। पंजाब विच किसान बेशक मशीनां दी वरतों करता है, परंतु फिर भी मजदूरां दी शमूलियत काफ़ी हुंदी है। यह अंदाज़ा असी भली भांत खेतीबाड़ी विच लगे हुए लोकां तों लगा सकते हैं। USA वर्गे देश दे विच सिर्फ 3% लोग खेती करते हैं, तो अपने पंजाब च किन्ने परसेंट करते हैं? 58% है ना। 58% लोग पंजाब दे विच इस किते विच लगे हुए आ। इत्थों दा किसान थोड़े व्डे किसानों छड़ के USA के किसानों वाग खेती एक व्यापारी की तरह नहीं करता। वो अपने खेत च कई तरह दसल उगा, एको समय ही कई बार खेत के दो फसल भी लगा है। पंजाब की खेती एक संघनी इंटेंसिव किस्म की खेती है, इस करके फसलों का झाड़ प्रति एकड़ USA के नालों भी वध हों। ठीक है, आप पढ़िया से ना भी USA के ज़्यादातर जड़े खेती हैगी है, वो हैलीकॉप्टर्स दे नाल हुंदी है, क्योंकि जड़े खेतों का आकार है वो बहुत ज़्यादा आ। बट उत्थे जड़ा झाड़ आ वो अपने किसानों के अकॉर्डिंग जड़ा इत्थों दीआं फसलां दा वो झाड़ प्राप्त करदे आ, वो USA दे नालों भी वध आ, क्योंकि अपनी जड़ी खेती है वो संघनी किस्म की खेती हैगी, जिहनूं आपां इंटेंसिव कह दिंदे आ। ठीक है हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4, अयेंद्र सिंह धागा बनाउण दी फैक्टरी लगाउणा चाहुंदा है, कच्चे माल के रूप में वह हेठां विचों कौन सी फसल का प्रयोग करेगा? हाँ जी, 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई हैं। धागा फैक्टरी लाने लई उन्हें किस चीज़ की जरूरत पेगी? मक्की की, कणक की, कपाह की, या चाह की? सो ये तो पता ही है ना, कपाह की जरूरत पेगी उन्हें। ठीक है, चलो कपाह बारे भी आप पढ़ लें। हाँ जी, कपाह या कॉटन। कपाह पौद्यां तों मिलण वाला सब तो महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग विच सब तो वधेरे इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा है।
इस तो बन वाला कपड़ा भार विच हल्का ते पहनण दे लई उत्तम क्वालिटी दा मन्या जांदा है। कपाह नूं रेशे दे आधार ते लंबे रेशे वाली लोंग स्टैपल कॉटन, मध्य दर्जे रेशे वाली मीडियम स्टैपल कॉटन अते छोटे रेशे वाली शॉर्ट स्टैपल कॉटन तीन श्रेणियों विच वंडिया जांदा। ठीक है, हुण इह तां पता लग गया जिहड़ा कपड़े उद्योग दे विच सब तों महत्वपूर्ण जिहड़ा इस्तेमाल हुंदा रेशा उह कपाह हैगा। हांजी, हुण इह तां आपां देख लिया कि जिहड़ा कपड़ा उद्योग हैगा उहदे विच सब तों वध जिहड़ा इस्तेमाल कीता जाण वाला रेशा आ उह कपाह ही हैगा, है ना। ते जिहड़ा कपाह तों कपड़ा तैयार हुंदा उह बहुत वधिया क्वालिटी दा हुंदा, पर कपाह नूं वी आपां तीन कैटेगरीज दे विच वंडदे हां। ठीक है, किहड़ी किहड़ी हुणे देखिए आपां, पहली किहड़ी आ लंबे रेशे वाली, दूसरी मध्य दर्जे रेशे वाली ते तीसरी छोटे रेशे वाली। सो ये तीन श्रेणियों च कपाह नूं वंडिया जांदा ते सब तों वधिया क्वालिटी किहड़ी दी मन्नी जांदी आ, लंबे रेशे वाली कपाह जिहड़ी आ। ठीक है, वह सब तों वधिया हुंदी आ ते ज़्यादा महंगी हुंदी आ। ठीक है, हुण आ नीचे असीं दित्तियां हुई कपाह पैदा करन लई हालतां, इहनूं वी इक वारी देख लियो। ठीक है, ते कपाह दे लई किस तरह का तापमान होना चाहिए आ, वर्खा किन्नी होनी चाहिए आ, धरातल किस तरह का होना चाहिए आ, जां किस तरह की मिट्टी के कपाह जिहड़ी आ हुंदी आ। तापमान 20 डिग्री सैलसीयस तो 30 डिग्री सैलसीयस, ठीक है, तो घट्टो घट 200 कोरा रहत दिन। ठीक है, उस तो बाद वर्खा किन्नी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर। तो धरातल किस तरह का होना चाहिए, समतल जां हल्की ढलाण वाली जमीन होनी चाहिए आ। तो मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए आ, काली मिट्टी जां जलोड़ी मिट्टी, इहदे विच कपाह की फसल ज़्यादा वधिया हुंदी आ। मजदूर, कपाह नूं चुनण वास्ते सस्ते ते सिखे हुए मजदूरां दी लोड़ हुंदी है ते खादां दी वी जरूरत पैंदी है। जी कपाह दी फसल मैदानां दे विच अप्रैल मई दे महीनियां दे विच बीजी जांदी है ते कोहरा शुरू होण तों पहलां दसंबर तक संभाल ली जांदी है। भारत दे दक्षणी भागां विच कपाह दी फसल अक्तूबर तों अप्रैल मई तक हुंदी है क्योंकि उत्थे ठंड जां कोहरे दी संभावना नहीं हुंदी। कपाह नूं बीमारियां अते कीड़ियां तों बचाउण लई अच्छे बीज ते कीड़े मार दवाइयां दी बहुत जरूरत हुंदी है। कपाह दे फुल जां फुट्टियां चुगण वास्ते सस्ते ते ट्रेंड मजदूर, खास करके औरत मजदूरां दी लोड़ पैंदी है। कपाह चुगदियां औरतां, ठीक है, आ पिक्चर दित्ती हुई है, औरतां कपाह चुग रहीआं, है ना। कपाह बारे हुण सारा कुछ तुहानूं क्लियर हो गया कि इंपोर्टेंस है कपाह दी, किस तरह की मिट्टी चाहिए आ, किन्ना तापमान चाहिए, किन्नी वर्खा चाहिए आ, ठीक है, तो किस तरह का धरातल चाहिए, तो किन्ने तरह की होंगी ये, है ना, श्रेणियाँ किन्निया च आपां इहनूं वंड सकदे आ, सब तो वधिया क्वालिटी वाली कपाह किहड़ी हुंदी आ। क्वेश्चन नंबर 5, आरव पहली बारी अपने पिता जी दे नाल मंडी विच आड़त दी दुकान ते गया। उसने देखा कि वह दुकानदार चावल, कणक, मक्की, ज्वार ते बाजरा खरीद रहा सी। आरव ने अपने पिता जी तो पुछया कि यह किस किस्म दीआं फसलां हन, तां उसदे पिता जी का की जवाब होवेगा। ठीक है, हुण हर तरह दीआं जिहड़ियां फसलां पईआं सी उत्थे जिहड़ा दुकानदार सी उह खरीद रहा सीगा, ते फिर उहने पुछया वी इह किस किस्म दीआं फसलां आ। चार ऑप्शन दित्तियां होईआं, रेशेदार फसलां, अनाज फसलां, पे फसलां, सब्जियां ते फलदार फसलां। सो इह किस तरह दीआं फसलां हैगीआं, अनाज फसलां। हांजी, अनाज फसलां किहड़ीआं हुंदीआं, मेनली जिहड़ियां वी फसलां हुंदीआं उन्हां नूं इन्हां कैटेगरीज़ दे विच डिवाइड कीता जांदा, जिन्नियां वी मुख फसलां हैगीआं। आ फस्ट नंबर ते अनाज फसलां, इहनूं आपां सीरियल क्रॉप्स कह दिंदे आ। ठीक है, इहदे च किहड़े किहड़े आ जांदे आ, चावल, कणक, मक्की, ज्वार, बाजरा, दालां, तेलां वाले बीज। ठीक है, रेशेदार फसलां, इहदे च किहड़ियां किहड़ियां आ जांदियां, फाइबर क्रॉप्स दे विच कपाह, पटसन, सन। ठीक है, इह रेशेदार फसलां हो गईआं। उस तों बाद आ गईआं पेय फसलां, बेवरेज क्रॉप्स, इहदे च की आ जांदियां, चाह, कॉफी, कोको। ठीक है, उस तो बाद आ गई सब्जियां ते फलदार फसलां, वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स, सेब, संतरा, केला, अंब, आड़ू ते सब्जियां। सो ये सारिया चार तरह दियां कैटेगरीज है। नंबर 1 ते केड़ियां, अनाज फसलां, फिर रेशेदार फसलां, फिर पेय फसलां, फिर सब्जियां ते फलदार फसलां। ठीक है, अनाज फसलां, संसार की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, दुनिया भर के लोगों की मुख्य लोड़ रोटी नूं पूरा करन वास्ते अनाज फसलां दी वड्डे पद्धर ते पैदावार बहुत जरूरी हो जांदी है। इस काम दे लई संसार दी आबादी दिन ब दिन वध रही है, दुनिया भर दे लोकां दी मुख लोड़
रोटी नूं पूरा करन वास्ते अनाज फसलां दी वड्डे पद्धर ते पैदावार बहुत जरूरी हो जाती है। इस काम लई संसार भर दे खेतीबाड़ी वास्ते ढुकमें देश अनाज फसलों की पैदावार बढ़ाने विच लगे हुए हैं। तो भारत विच भी देश दियां कुल फसलों का लगभग 75% अनाज दियां फसलों की पैदावार भी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6, दिती हुई तस्वीर विच की हो रहा है? कपाह चुगी जा रही है, चाह चुगी जा रही है, दालां चुग रही है, जां किन्नू दे पौधे लगा रही है? हाँ जी, आ पिक्चर देख के तुहानू पता लग ही गया होना कि यह जिहड़ी औरत है वह की कर रही है, है ना, वो चाह चुग रही है, ठीक है, चाह दियां पत्तियां। ओके, सो यह पे फसलों के आ जाती है। पे फसल पढ़िया सी, है ना, पे फसलों के मुख्य तौर पर चाह, कॉफ़ी या कोको नू शामिल किया जाता है। अजकल के समय में पीण वाली फसलों की बहुत महानता है। रोजाना उठन तो बाद दिन भर के काम शुरू करन तो पहला चाह या कॉफ़ी का कप साडे सारे लिए महत्ता रखता है। इसनों पीण तो बाद असी चुस्ती महसूस करते हाँ। पे फसलों में जोश पैदा करने वाले तत् मौजूद होंगे, इस करके साडे शरीर के उत्तेजना या जोश पैदा कर देंगे। ठंडे मौसम के इन्हों गर्म और गर्मी के मौसम के ठंडे रूप के पीता जाता है, जिमें गर्म ज ठंडी कॉफ़ी। असी इत्थे चाह और कॉफ़ी दो पेय फसलों बारे विस्थार विच जानकारी प्राप्त करांगे। हाँ जी, आ हैगा चाह दियां पत्तियां चुगदियां इस्त्रियां, जिहड़ी आपां पिछले क्वेश्चन दे विच पिक्चर देखी सी, है ना, देखो। हाँ जी, हुण आपां चाह बारे देखते हैं। पहलां चाह का पौधा एक झाड़ी वर्गा हुंदा है। एक बार क्वेश्चन ही आ जाता है कि चाह का पौधा किस तरह का हुंदा, यह एक झाड़ी वर्गा हुंदा है। इस पौधे के पत्तियां तो चाह प्राप्त की जाती, जिहड़ी इहदे पत्ते हुंदे उन्हां तो चाह पैदा हुंदी है। मन्निया जाता है कि चाह 6वीं सदी विच चीन तो शुरू हुई और उस समय तो चीन और जापान दे विच पीती जा रही है। 17वीं सदी तक चाह ब्रिटेन और यूरोप के होर देशों विच भी पीती जाण लगी और इसनू पीना बड़े लोगों का शौक समझा जाता सी। अज के समय विच तां चाह आम पीण वाला पदार्थ बन गई है। तो चाह दियां किस्मां विच काली चाह और हरी चाह मशहूर हैं, ठीक है। हुण तां चाह तां कॉमन ही हो गई है बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा लोग जोड़े आ स्पैशली अपने जोड़े स्टेट है ये बहुत ज़्यादा लोग चाह नू पसंद करते हैं। चाह पीते बिना कोई काम ही नहीं शुरू करते, है ना, तो उन्होंने लगता कि चाह पी के एनर्जी आ जाएगी फिर ही कोई काम होना, चाह पीते बिना कोई काम नहीं होता, ठीक है। सो अजकल तो लोग काली चाह मतलब जिस मिल्क नहीं पाते, है ना, ब्लैक टी जिन्हों कहने वो ज़्यादा पीते हैं, तो दूसरी ग्रीन टी जिन्हों आप हेल्थ लिए वधिया मानते हैं, है ना, कि यह अपनी मैटाबोलिज्म जोड़ा वनू इनक्रीज़ करता है। तो यह दोनों तरह की चाह भी अज के टाइम के बहुत प्रसिद्ध हो गई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, भारत के बहुत हिस्सों में उगाई जाने वाली फसल जिसनों बहुत पानी की लोड़ होंगी है, इसलिए भूमि पद्धरी और समतल होनी चाहिए है, ठीक है। जिहड़ी फसल नू उगाने लई बहुत पानी चाहिए तो वह फसल कि होंगी है, मक्की, चाह, कणक, चावल, ठीक है। तुहानू पता ही है कि सब तो वध पानी चावल की फसल उगाने के लिए चाहिए, है ना, तो इसलिए अपन सरकार जिहड़ी है बार बार कहते हैं कि चावल की फसल जिहड़ी उहनू घट बीजा जाए क्योंकि पानी का लैवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा, तो इहदी जगह होर फसलां जिहड़ियां उह बीजणियां चाहीदियां आ किसानां नू, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट है चावल। चावल मुख्य तौर पर गर्म और तर हॉट एंड मोइस्ट जलवायु वाले देशों में पैदा किया जाता है। संसार के चीन, भारत, बंगलादेश, जापान ते होर दक्षण पूर्वी देश चावल की काफ़ी पैदावार करते हैं। चीन संसार का 36% चावल पैदा करके पहले स्थान पर है। चीन में यांगसी क्यांग दी दरिया घाटियों में बहुत बड़ी मात्रा में चावल पैदा किया जाता है। बंगलादेश के गंगा डेल्टा में चावल की अच्छी पैदावार की जाती है। तो जापान भी उच्ची पैदावार करने वाली चावल दियाँ जैपोकिका वर्गिया किस्म उगाई जाती हैं। इंडोनेशिया में चावल की खेती मैदान से पहाड़ी ढलाणा भी की जाती है। तो भारत देश चावल की पैदावार संसार भर में दूजे नंबर पर आता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर किड़ा आ चीन, किन्ने परसेंट पैदा करता चीन, 36%, तो भारत दूजे नंबर पर आता। तो संसार के लगभग 20% चावल जोड़ा वो भारत द्वारा ही पैदा किया जाता, ठीक है। सो बहुत वेरिएशन है, चाइना 36%,
ਘਰ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 20% ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤੇ ਵਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ, ਡੈਲਟਾਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਉਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਧਰਾਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਪੱਧਰਾ ਅਤੇ ਸਮਤਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੌੜੀਦਾਰ ਖੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ, ਸੁਹਾਗਾ ਆਦਿ ਮਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਦੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਦੋਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਪਾਹ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਰੇਸ਼ਾ ਜੋ ਟਾਟ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਪਾਹ, ਪਟਸਨ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ। ਸੋ ਬੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਟਸਨ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਟਸਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪਟਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਸਨ ਰੀਡ ਵਰਗਾ, ਨੜ ਵਰਗਾ, ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ ਇਹ? 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ। ਪਟਸਨ ਇੱਕ ਖੁਰਦਰਾ ਪਰੰਤੂ ਨਰਮ ਰੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੱਸੇ, ਬੋਰੀਆਂ, ਟਾਟ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਰੇਸ਼ੇ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪਟਸਨ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਸਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ? 24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਵਰਖਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਧਰਾਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੱਧਰਾ। ਮਿੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਟਸਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਸਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਟਸਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੇਨਲੀ ਪਟਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਟਸਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਟਸਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ते भारत ते बंगलादेश ये दोनों पटसन की पैदावार विच मोहरी देश हन। कौन कौन? भारत ते बंगलादेश। ते किथे किथे ये हुंदा? गंगा ते ब्रह्मपुत्र दरियावां दे डेल्टा भागां विच इहदी खेती बहुत ज़्यादा हुंदी है। ठीक है, इस तों इलावा पछमी बंगाल, बिहार, असाम, उड़ीसा, पूरे भारत का लगभग 99% जड़ा पर्सन है वह पैदा कर दिया। ठीक है, सो इन्ना ही याद कर लो, इन्ना ही काफ़ी हैगा कि पूरे वर्ल्ड के विच कड़े कड़े देश है जिथे पर्सन वध हुंदा। चीन, भारत, बंगलादेश, थाईलैंड, ब्राज़ील। तो भारत के विच भी कड़िया कड़िया जगह के उपर वध हुंदा आ? पछमी बंगाल, बिहार, असाम, उड़ीसा, जिहड़ा पूरे भारत का 99% जिहड़ा पर्सन है वह पैदा कर दिया। ठीक है, इन्ना ही याद रख लो फिलहाल। तेजस जिस देश का निवासी है वह देश उत्तम किस्म की कपाली संसार विच प्रसिद्ध है। कि तुसी दस सकते हो कि तेजस किस देश का निवासी है? ठीक है, चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, इन्हां विचों किहड़ा देश आ? नेपाल, भूटान, मिसर जा श्रीलंका, जिथे कि बहुत वधिया क्वालिटी की कपाह हुंदी आ। सो इन्हां विचों सब तो वधिया किस्म की कपाह हुंदी आ मिसर दे विच। क्वेश्चन नंबर 11, हरदीप कोल 5 किले जमीन है परंतु उसकी मिट्टी की किस्म काली है, वह हेठ लिखियां विचों किहड़ी फसल जिहड़ी लगावेगा जिस नाल उसनूं वध फायदा मिले? ठीक है, हुण आपां देखदे हां किहड़ी किहड़ी फसलां नीचे हैगियां, गन्ना, कणक, कपाह ते पटसन। हाँ जी, हुण पर उहदे कोल जिहड़ी मिट्टी आ उह किहड़ी आ? काली मिट्टी आ। सो काली मिट्टी किहड़ी फसल दे लई सब तो वधिया हुंदी आ? उहनूं उही फसल उगाउणी चाहीदी आ। ते आपां पढ़िया सी कि कपाह दी फसल जिहड़ी आ उहदे लई काली मिट्टी सब तो वधिया हुंदी आ। ठीक है, इस लई उहनूं कपाह दी फसल ही उगाउणी चाहीदी आ। नैक्सट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 12, कुछ लोगों ने पहाड़ी खेतरां विच जंगलों नूं साफ करके खेतीबाड़ी करनी शुरू कर दी। 2 साल बाद वो फिर नवीं जगह पर चले गए तो उस जगह जंगल साफ करके फिर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। दसो ये किस किस्म की खेती है? आप फस्ट क्वेश्चन ही पढ़िया सी, उत्थे उहदा नाम झूम खेती सी, है ना? मैं तुहानूं दस्सिया सी कि झूम खेती ते स्थानांतरी खेती दोनों ही सेम आ। सो इहदा आंसर हैगा स्थानांतरी खेती। क्लीयर हो गया? चलो ये अपना सी लैसन नंबर 4 दे MCQs। तो हुण आपां इस तों बाद नैक्सट वीडियो लैसन दे विच हिस्ट्री दे MCQs स्टार्ट करांगे। ओके स्टूडेंट्स, जे पहला वाली वीडियो लैसन नहीं देखे तो वह भी देख लो, तो जे तुहानूं वधिया लगदे वीडियो लैसन तो तुसीं अपने फ्रेंड्स नाल इन्हां नूं शेयर करो, चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। ओके ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।